हमारे एमपी बोर्ड के सभी बच्चों का जो एग्ज़ाम है ना 20 मार्च के दिन है, और उसी की तैयारी अपन रेगुलर कर रहे हैं। ठीक है, आप तो चिंता मत करो, 6 से 7 वीडियो, मुश्किल से 6 वीडियो रहेंगे। उसमें आपको पूरी संस्कृत का निचोड़ आपको दे दूंगा। ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे ही आपका वास्तव में पेपर बना। फालतू चीज़ों पर अपन फोकस नहीं करेंगे, समय कम है अपने पास में। तो आइए, अब क्यों देर कर रहे हैं अपन, फटाफट से शुरू करते हैं। हसन इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति तो स्रत, पठित्वा इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति तो कत्वा। ठीक है, यहां पर देखेंगे पाठुम इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति तो ल्यप, क्या जाएगा ल्यप। ठीक है भैयू, इसके बाद में आ जाएगा आपका वाला प्रत्यय अस्ति तो टाप आ जाएगा। गतवान में प्रत्यय कौन सा है, देखो गतवान, जिसमें वान रहे उसमें कत्वतु प्रत्यय रहेगा। प्रिय पुत्र आसित इतस्मिन पदे विशेषणम पदम अस्ति तो यहाँ पर आएगा प्रिया, मध्यमा अंगुली तस्मिन पदे विशेषणम पदम अस्ति तो यहाँ पर है जाएगा मध्यमा। ठीक है, इसमें कौन सा विशेषणम है तो मध्यमा विशेषणम है। ठीक है, सीता पति व्रता पत्नी आसित, सीता जो है पति व्रता पत्नी थी। इतस्मिन पदे विशेषणम पदम अस्ति, देखो पति व्रता। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, इतना ठीक है भैया। इसके बाद में आ जाएगा आपका, यहां से हम बात करेंगे तो ये आपका जाएगा, यहां पर देख सकते हैं ये अच्छा छुसी भास्करे ततो इतस्मिन पदे विशेषणम पदम अस्ति तो यहाँ पर जाएगा चाछूसी। जो बता रहा हूँ ना बेटा, बड़ी रिसर्च और निचोड़ बता रहा हूँ, समझ लो पूरा निचोड़ जिससे आपका एग्जाम में पेपर बना है। ठीक है, वही चीज़ें बता रहा हूँ, कोई अलग से चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, है ना। मति मानवी नाम शोभाम तस्मिन पदे विशेषणम पदम अस्ति, मति माननीयाम। यहाँ पर आगे बात करते हैं अपन तो ये आ जाएगा रूपम प्रसिद्धम ना इतस्मिन पदम विशेष पदम अस्ति, रूपम जिमूत वाहना दानवीरा राजा आसित इतस्मिन वाक्य विशेष पदम किम, जिमूत वाहन हितेश भी मंत्री भी इतस्मिन पदे विशेष पदम अस्ति, मंत्री भी। अहम दधति भी कथम पठामि इतस्मिन वाक्ये विशेष्य पदम किम, दीद भी। ठीक है, इतना हो चुका है आपका, कंप्लीट कर लो। ठीक है, अगला है आपका यूनिट दो, यूनिट दो में से आपका आ जाएगा रिक्त स्थान, जो भी अपन ध्यान से देखते हैं, केवल इसमें भी 16 है। ठीक है, हर जिले के लिए आईएमपी बता रहा हूँ, हर जिले के लिए। किसी बच्चे ने कर लिया और कंप्लीट करके चला गया, डंके की चोट पर के दो, 75 के 75 नंबर आएंगे। देखिए पूरी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ, कोई गलत जानकारी मैं बच्चों को आज तक प्रोवाइड नहीं की, बड़ी रिसर्च करने के बाद ही बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि जिससे पेपर बनाया वही चीज़ें बताऊँगा आपको, है ना। धेनु इतस्य पर्याय पदम, धेनु का जो पर्याय पद है वो क्या है, देखो गावा आ जाएगा। रात्रि इतस्य पर्याय पदम, रात्रि का जाएगा निशा। विमुत्य इतस्य पर्याय पदम परिताज्य, इंद्रा इतस्य पर्याय पदम, देखो इंद्रा का पर्याय पद बताना है तो सकः। ठीक है, शरीरः शरीरम इतस्य पर्याय पदम, देखो तो यहां पर आ जाएगा गवाम। भानु इतस्य पर्याय पदम, भानु का कौन सा पर्याय है, सूर्य। वन इतस्य पर्याय पदम, वन का पर्याय पद आएगा काननम। ठीक है भैयू, ठीक है, इतने में से आपका एक नंबर पक्का हो गया है ना बच्चों। देखो भैयू, बूंद बूंद से ही घड़ा भराता है, इसी तरह भैयू एक एक दो दो नंबर से ही अपने कम्बर कवर करेंगे। आप तो निश्चिंत रहो, 6 से 7 वीडियो में, मुश्किल से 6 से 7 वीडियो में पूरी चीज़ें आपको कवर करा दूंगा बस ओनली। ठीक है, आप तो बढ़िया से तैयारी करो, आते जाए वीडियो देखते जाना, है ना भैयू। विलेय इतस्य विलोम पदम, विलेय का जाएगा पराजय। उपकारा इतस्य विलोम पदम, अपकारा कि पराजय, पराजय कि उपकारा। ठीक है, आचार्य कम अनु आचार्य कम
अनुशास्ति, तो यहाँ से हो जाएगा ये अंतेवासिनम। और स्वजना कुत्र प्रहरति हृदय, लोह तुला पाठा अस्ति पाश्य रात्रम वानिक्य पुत्रम नाम किम जिनर्नो धना, ठीक है, का प्रिया अपि त्यज्य दुष्टा और चोरा, क्योंकि ना जाने कौन से जिले में आपका कौन सा पेपर आ जाए। लता शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचन से रूपम भविष्यति लतासु, भानु शब्द से चतुर्थी विभक्ति रूपम किम भानवे, अधो लिखेतेसु अव्यव नास्ति, तो इसका जाएगा पत्र। आगे बढ़ते हैं और बालक शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति, बालकात अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन वाक्ये अव्यय पदम अस्ति अत्र। फल शब्द से तृतीय विभक्ति रूपम अस्ति, तो इसका जाएगा फलेन, क्या जाएगा फलेन। यहाँ से अपन बात करेंगे ना आगे, तो इसमें गम, इसमें प्रा उपसर्ग रहेगा, यहाँ से गमिष्यामी आ जाएगा, अत्याचार में अति हो जाएगा, पठती आ जाएगा और गमिष्यति में आपका लट लकार हो जाएगा। कवि संबोधयति वाणीम, बाला का आपका जाएगा टाप, गत्वा का आपका यहाँ जाएगा कत्वा, गंतुम तुमन, करनियम करनियम का आपका यहाँ से देख सकते आनियर आ जाएगा, और वानिक के पुत्रस्य नाम का जाएगा जीर्ण धना, ठीक है। इसके बाद में अपने एक पदेन उत्तरम लिखत, सूर्यास्ता इतस्य विलोम पद पदम भवति सूर्योदय, सूर्य इतस्य पर्याय पदम अस्ति आदित्यः, शिव इतस्य पर्याय पदम अस्ति महेशः, प्रति बालका इतनयो पदियो विशेषणम पदम किम प्रति, श्वेत इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति कृष्ण, प्राचीन इतस्य विलोम पदम अस्ति तो नवीनम। इसके बाद में है आम नाम, प्रत्येक इतस्मिन पदे अयादि संधि अस्ति, प्रत्येक में आपकी अयादि संधि है तो ना, घनश्याम इति पदे कर्मधारी समासा वर्तते, घनश्याम में आपको कर्मधारी समास है, सदैव इतस्मिन पदे दीर्घ संधि अस्ति, सदैव में आपको दीर्घ संधि आ जाएगा, क्या है तो गुण संधि, इसमें गुण, सुरेशा भवति होता है सुर धन ईसा बिल्कुल, महाधन महाधन ईसा महेशा हो जाएगा, ठीक है। पितरो पदे अव्ययी भाव समास भवति ना, स्वागतम इत्यस्मिन पदे यन संधि अस्ति आम आ जाएगा। यहाँ पर अपन बात करेंगे, ये इतना हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 6 है, ठीक है भैयू। बाला कदा क्रीडन्तु आगच्छत पाठशाला गम वेलायाम, देखो भैयू अच्छे से कंप्लीट करना, मैंने यहाँ पर ये मीनिंग हटा दिया है, जितने मुझसे कवर हो सके हमारे बच्चों के लिए मैंने मेहनत करने कोई कसर नहीं रखी है, क्योंकि हर बच्चा जानता है अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के प्रश्न आएंगे, तो इसलिए मैंने आपको 3 पेपर ऑलरेडी पहले भी बता दिए हैं, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप तो चैनल पर एक्टिव रहिएगा, जैसे किसी भी चीज़ आती है एग्जाम में जाने से पहले यदि सुबह सुबह भी आप वीडियो को देख रहे हो तो बिल्कुल जरूर देख के जाइएगा, सुबह से भी जो आने वाले वीडियो है ना। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर ये आपका 12, क्वेश्चन 13 है, यहाँ से अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, क्योंकि समय कम है हमारे बच्चों के पास और मैंने सारी चीज़ों का प्रयास किया है आपको सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराने का। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, ये इस तरह का क्वेश्चन नंबर 18 रहने वाला है, यहाँ से